Welcome to Chitwan's Meraki. Please subscribe, press the bell icon, and like, comment, and share with your friends. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल चितवंस मिराकी। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मैंगो की आइसक्रीम, जो कि बहुत 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 ही सिंपल तरीके से और बहुत ही अच्छी बनती है। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, इसमें गैस का बिल्कुल यूज़ नहीं है और बहुत ही क्विक रेसिपी है ये। चलिए इसे बनाते हैं और देखते हैं ये कितनी सिंपल है। ये देखिए, ये मैंने 4 आम का पल्प लिया है और इसको मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर दिया है उसका छिलका उतार कर। तो आपको इस तरह से इसका पल्प बनाना है। ये मैंने 1.5 कप चीनी ली है, जिसका मैंने पाउडर बना लिया है। अब इस चीनी को हमें इस पल्प में मिला देना है, क्योंकि आम मीठा तो है बट जब आप व्हिप क्रीम के साथ इसे मिलाएंगे तो इसकी मिठास कम हो जाएगी। आप धीरे धीरे एक स्पैचुला से या फिर किसी चीज़ से आप इसे मिलाएं, ताकि इसमें चीनी अच्छी तरीके से मिल जाए। वैसे भी ये पाउडर्ड शुगर है तो बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएगा इसमें ये। इसको आप धीरे धीरे मिलाएं। ये देखिए, इसमें चीनी बिल्कुल अच्छी तरीके से घुल गई है। ये देखिए, मैं क्रीम बेल की व्हिप क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि 1 kg है, क्योंकि मेरे आम भी बहुत ज़्यादा हैं। इस वजह से मैं 1 kg वाला व्हिप क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ। मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है। आप चाहें तो इसे कम में भी बना सकते हैं, और अकॉर्डिंगली आपको चीनी और आम को मेजर करना होगा, जिस हिसाब से आपकी व्हिपिंग क्रीम होगी। ये देखिए, ये व्हिप क्रीम मैंने ले ली है। अगर आप गर्मी में आइसक्रीम बना रहे हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि व्हिप क्रीम ठंडी होनी चाहिए, और जिस यूटेंसिल में आप इसे कर रहे हैं उसको भी थोड़ी देर के लिए आप फ्रीज़र में रख दें, ताकि वो भी ठंडा हो जाए। अब हम इसे व्हिप करना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, हमारी व्हिप क्रीम बिल्कुल रेडी है। आप ये देख सकते हैं, ये स्टिफ पीक्स आ रहे हैं इसमें, तो इसका मतलब है हमारी व्हिप क्रीम बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम वो मैंगो जो हमने पल्प बना रखा है उसे हम इसमें मिलाएंगे। बस आपको इसे इस तरह से फोल्ड करते चलना है, बहुत ही धीरे धीरे। व्हिप नहीं करना है, अगर हमने ऐसा किया तो ये बहुत ज़्यादा पानी छोड़ने लग जाता है और उसकी वजह से आपकी आइसक्रीम ख़राब भी हो सकती है। तो आपको बस हल्के हाथों से इसे धीरे धीरे फोल्ड करना है, जैसे हम कट एंड फोल्ड मेथड यूज़ करते हैं अपने केक में, वैसे ही आप इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख रहे हैं, बहुत ही लाइट येलो कलर आ रहा है इसमें, और इसको धीरे धीरे ही फोल्ड करना है। बहुत ज़्यादा जल्दी में, हड़बड़ी में इसे नहीं मिलाना है। अब इसमें थोड़ा सा मैं ये येलो कलर डाल रही हूँ, ताकि एक अच्छा लुक आ जाए इसका, और फिर हम इसे दोबारा से फोल्ड करना शुरू करेंगे। आप देखिए, आपको ये येलो कलर दिख रहा होगा, कितना अच्छा लग रहा है ये इस पर। और आप यकीन मानिए कि इसमें आपको बिल्कुल गैस की ज़रूरत नहीं है, और ये बहुत ही अच्छा और टेस्टी बनता है। शुगर की जगह पर आप इसमें मिश्री यूज़ कर सकते हैं। मैं धागे वाली मिश्री बहुत प्रेफर करती हूँ, तो अगर मुझे अपने बच्चों के लिए बनाना होता है तो मैं इसमें धागे वाली मिश्री ही डालती हूँ, उसको ग्राइंड करके। और अगर वो नहीं है तो आप नॉर्मल शुगर भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। ये देखिए, हमारी आइसक्रीम बिल्कुल तैयार है। मैंने इसमें हल्का येलो कलर डाल दिया था। अगर आप चाहें इसे आपको और येलो करना है तो आप इसमें और येलो कलर डाल सकते हैं, बट मुझे इतना ही बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब मैं इसे कंटेनर में डालकर इसे रेफ्रिजरेट करने जा रही हूँ, जो कि 24 घंटे तक इसे हम रेफ्रिजरेट करेंगे। बट उसके बीच में मैं आपको बता दूँ कि इसे आपको थोड़ी देर के बाद, यानी 5-6 घंटों के बाद निकाल कर दोबारा से एक बार व्हिप करना है, ताकि इसमें क्रिस्टल्स ना पड़ें। देखिए, अब मैं इसे रेफ्रिजरेट करने जा रही हूँ। ये आपकी फाइनल आइसक्रीम है, आप देख सकते हैं ये टोटली फ्रीज हो चुकी है, और देखिए कितने आसानी से स्क्रेप हो रही है। ये बहुत ही क्रीमी बनी है, ये देखिए बहुत ही आसानी से निकल जा रही है। इसे आप सर्व करने के लिए बिल्कुल ये रेडी है। आइए इसे सर्व करते हैं। मेरे हिसाब से तो ये बहुत यम्मी बना है। तो आप इस रेसिपी को देखिए और प्लीज़ 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 मुझे बताइए कि ये कैसी बनी थी। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात और, अगर तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर कीजिए।